जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वे देश के किसानों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रच रहे हैं बहुत दिन से। उनसे हमको बचना है। अब वो तिरंगे के नाम पे किसानों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तिरंगा देश का है, तिरंगा हमारा है, तिरंगा किसानों का है, तिरंगा देश की जनता का है। इन्होंने अपने मुख्यालय पे जो नागपुर में है वहां पर कभी 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराया बहुत दिन तक, और आज ये हरियाणा में ये तिरंगा जो है इसको यात्रा निकाल रहे इस तिरंगे की। तो ये है कि अगर किसान इसको रोकेंगे तो ये कहेंगे देखो ये तिरंगा यात्रा इन्होंने रोकी। कोई भी किसान इनको जो निकालनी है, इनका 15 दिन का अभियान चलेगा। ये तिरंगा है, कम से कम इन्होंने देश का तिरंगा तो हाथ में लेने का शुरू करा। ये तो लेते ही नहीं थे, ये तो भगवा हाथ में रखते थे। आज आप लोगों के प्रेशर में इन्होंने तिरंगा हाथ में लिया। इनकी यात्राओं को कल से कोई भी हो ना करें, क्योंकि ये तिरंगे के नाम पर बदनाम करेंगे। हम अपनी यात्रा 5 तारीख से निकाल लेंगे। उसका कहां कहां का रूट रहेगा और सभी किसान उसको निकालना शुरू करेंगे। उसका रूट हम बनाएंगे, हम भी निकाल लेंगे। हमारी 15 तारीख तक चलेगी, वो बताएंगे। 4 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें पूरा डिक्लेरेशन उसका करेंगे, कहां कहां से उसके रूट रहेंगे पूरे उसमें निकलेगा। और ये तो है कि हम 15 अगस्त में मुख्यालय पे हम अपने ट्रैक्टर पे तिरंगे लगा कर जाएंगे। उससे पहले भी हमारी यात्रा ही निकलेगी, वो कहां कहां निकलेगी। ये तिरंगा हमारा है, तिरंगा देश का है, तिरंगा देश की शान है। तो मैं अपने सभी नौजवान भाइयों से, किसानों से जो हरियाणा में हैं, उनसे कहूंगे कि आप अगर इनका यात्रा रोकेंगे तो ये कहेंगे देखो ना तिरंगे का अपमान करा। ये हमारे ही वेश में आएंगे, तिरंगे को बदनाम करेंगे, अपने आप यात्राएं रोकेंगे। तो आप उससे बचकर रहे, इनको निकालना निकाल लें, कम से कम तिरंगा तो हाथ में लिया। और आप सभी का धन्यवाद है इनको। कोई भी आप, क्योंकि तिरंगा हाथ में ले रहे हैं तो देश का फ्लैग है। ना करें हम अपना निकाल लेंगे, इनसे मजबूती से निकाल लेंगे और ट्रैक्टर के साथ में निकाल लेंगे। साथियों, लगातार पिछले 1-2 दिन से हमारे तमाम साथियों के, तमाम हमारे किसान भाइयों के, हमारे सहयोगियों के लगातार फोन मैसेज आ रहे हैं कि बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। और आपको ध्यान है कि ऐसी ही एक साजिश 26 जनवरी को आंदोलन को बदनाम करने की तिरंगे के नाम पर रची गई थी, वो साजिश पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी। अब दोबारा से इस जन आंदोलन को, जो बीजेपी के हाड़ों में बैठ गया, इस जन आंदोलन को बदनाम करने के लिए फिर तिरंगा यात्रा का एक कार्यक्रम तय किया गया है। और जैसी हमें सूचना है कि 1 अगस्त से भिवाणी जिले के लोहारू विधानसभा में कृषि मंत्री जेपी दलाल यहां यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, और उसके बाद वो यात्रा 15 अगस्त तक अलग अलग तिरंगा यात्रा बीजेपी की हरियाणा भर में निकाली जाएंगी। और साथियों, आपको लगातार हम बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर रहे हैं, और हमारे बीच में और बीजेपी वालों के बीच में तिरंगा आ रहा था, इसलिए ये बड़ा गंभीर मामला था। और इसके ऊपर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सीनियर नेताओं ने, हरियाणा के सभी संगठनों ने, हरियाणा के सभी किसान नेताओं ने मिलकर के गंभीर चिंतन करते हुए ये फैसला किया है कि हम बीजेपी की साजिश को समय से पहले समझें। और उन्होंने पूरे हरियाणा से अपील भी की है, निवेदन भी किया और एक फैसला भी किया है कि हम बीजेपी की साजिश को समझते हुए हम तिरंगा यात्रा का, जो 1 अगस्त से ये शुरू कर रहे हैं, उस तिरंगा यात्रा का हम कोई भी विरोध नहीं करेंगे। और साथियों, ये वही लोग हैं, 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था, तिरंगे के नाम पर ये अंग्रेजों की गोदी में जाकर के बैठ गए थे। और इनकी जो मांग है
और इनका जो व्यवहार तिरंगे को लेकर के है, ये तिरंगे को रोंदते हुए आरएसएस और बीजेपी वाले जलाते हुए, इनका इतिहास, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है तिरंगे को लेकर के, वो जग जाहिर है। लेकिन तिरंगा 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की आन बान और शान है, और उसके लिए हम कट भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं। इसलिए हम किसी भी कीमत पर, संयुक्त किसान मोर्चा का ये फैसला है कि हम किसी भी कीमत पर तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेंगे। उस तिरंगा यात्रा में ये खुद साजिश रचेंगे और फिर गोदी मीडिया के माध्यम से तिरंगे को बदनाम करने के आरोप हमारे ऊपर लगाएंगे। तो अंत में यही निवेदन है कि हम इस तिरंगा यात्रा का कोई विरोध हरियाणा में नहीं करेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, और बाकी जितने भी बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रम होंगे हरियाणा में, वो गांवबंदी भी जारी रहेगी और बीजेपी जेजेपी के सभी घोषित कार्यक्रमों का विरोध भी शांतिपूर्ण तरीके से जारी होगा। और मेरा सबसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें और बीजेपी की इस साजिश को फेल करने का काम करें, और जो बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रम होते हैं उनका विरोध और गांवबंदी हमें लगातार जारी रखनी है साथियों। और मेरा सबसे यह भी निवेदन है कि हम पूरी ताकत आंदोलन के ऊपर लगाएं, और जो देश विरोधी भाजपा है और जो किसान विरोधी आरएसएस है और हरियाणा की सरकार है, इसका पर्दाफाश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।